नागौर से कांग्रेस के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिवराज जी केवल वादे करते हैं, उन्हें वे पूरा नहीं करते हैं। इस बार जनता समझ चुकी है, प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस को आने से अब कोई नहीं रोक सकता है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर उन्होंने कहा कि इस योजना को कोई मतलब नहीं, क्योंकि गरीबों में मुफ्त में कहीं भी गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा है। नहीं, नागौर में बिल्कुल अवसर नहीं है। जब मैं विधायक था तो 150 एकड़ जमीन बाबूपुर अपने विधानसभा क्षेत्र में अमर पाटन रोड में 16 करोड़ रुपया की उद्योग विभाग से पूरे प्लाटिंग और बिजली की फिटिंग, नल, रोड, पूरा टंकी सब कंप्लीट पड़ी है। एक भी 5 साल में उद्योग स्थापित नहीं करा पाई, और मंत्री रहे 15 साल, लोक निर्माण रहे, वर्गीय रहे, गृह मंत्री रहे, नर्मदा की रहे, मगर एक भी उद्योग यहाँ नहीं। बीड़ी का उद्योग था, बीड़ी का भी खत्म, करीब करीब 10% बचा है बीड़ी उद्योग, कोई काम नहीं नागौर क्षेत्र में। स्वास्थ्य की जहाँ बात है तो कोई मतलब नहीं है स्वास्थ्य का, और भी जो इनके वादे हैं आज तक कहीं भी क्रियान्वित नहीं हो रहे। सिर्फ शिवराज सिंह की घोषणा पहले से भी बची है और आज भी करते जा रहे हैं, रोज घोषणा इनकी होती है और अमल कहीं नहीं होता, न कोई अधिकारी करता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं, जन आशीर्वाद से कुछ फर्क पड़ना। सब इस बार जनता पिछले बार भी मन बना चुकी थी तो सरकार बनी, किन्हीं कारणों के बस फेल हो गई।